हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विराजन फैमिली व्लॉग्स। ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है आज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक साड़ी का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हाई, मैं हूँ रेनू और विराज मेरे बेटे का नाम है। सो प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं आपके साथ जो साड़ी शेयर कर रही हूँ ना, वो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी। और क्या है कि अभी मतलब मुझे एक फंक्शन में जाना है, तो मैंने बस ऐसी रेंडमली मैं सिलेक्ट कर रही थी कि क्या लूँ क्या पहनूँ, बस करते 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 मुझे एक साड़ी फ्लैश हुई और वो साड़ी मुझे मतलब काफ़ी अच्छी लगी। तो बस मैंने फटाक से ऑर्डर कर दी क्योंकि उसका रेट बहुत कम था। एक फंक्शन अटेंड करने के लिए, एक अच्छा खासा फंक्शन अटेंड करने के लिए इतनी कम रेंज की साड़ी मुझे मिल रही थी, तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की है, मैंने फटाक से मैंने ऑर्डर कर दिया और वो कल मुझे रिसीव हो गई। वैसे मैं खोल के देख चुकी हूँ इसको, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ। ये इस तरह के जो लोग नए हैं ना, ये उनके लिए हैं, इस तरह के पैकेट में आएगा। अमेज़ॉन का होता है, अमेज़ॉन से मंगाया है, तो यहाँ पे आपका पूरा आपकी डिटेल होगी। मैंने इसको यहाँ से कट किया और यहाँ से निकाली एक साड़ी जो कि अभी आपको गोल्डनिश शेड में दिख रही है। और इस तरह के पैकेट में आपको साड़ी मिल जाती है, साथ में इसके अंदर आपको रिसीव होता है एक बिल। इसमें भी प्राइस वगैरह और जिस ब्रांड का है ये, उनका नाम, बाकी मतलब बिल वाली बिलिंग डिटेल इसके अंदर होती है। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, मान लीजिए आपको, आपने जो चीज़ ऑर्डर की आपको मिली और आपको पसंद नहीं आती है, तो आपको रिटर्न का ऑप्शन मिलता है, आप रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बिल, आपकी साड़ी और आपका ये जो पैकेट होता है ना, ये तीनों चीज़ आप वापस कर दोगे ना, एज इट इज़ पैक करके आप दे दोगे। इसमें सील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर रिटर्न करना है तो आप इसे एज इट इज़ बस रिटर्न डाल देंगे आप, और रीज़न डाल देंगे कि आप क्यों रिटर्न कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, और साड़ी को अच्छे से पैक कर देंगे। अगर इसमें लेबल स्टिकर कुछ लगा है तो वो एज इट इज़ लगा रहने देंगे, और बिल होगा वो भी साथ में रख देंगे। ये हो तो ये भी आप दे सकते हो, अदरवाइज़ कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप चाहो तो आप मतलब रिटर्न कर सकते हो। आप वीडियो का मेन पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे मिली है ये वाली साड़ी। साड़ी का जो MRP है मैं वो यहाँ मेंशन कर दूंगी, मुझे कितने की मिली है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। साथ में ये जो है, ये हैदर अली एंड सन्स, इनके जो डीलर हैं वो हैदर अली एंड सन्स नाम से है, वुमेंस भागलपुरी लिनन साड़ी। मतलब जो ये साड़ी है ना, वो भागलपुरी लिनन साड़ी है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल प्राइस में मिली है। 849 रुपीज़ में मुझे साड़ी मेरे घर तक मुझे रिसीव हुई है। सो अब चलिए साड़ी को हम खोल के देख लेते हैं कि ये साड़ी कैसी है। आप देख सकते हो, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ये साड़ी है ना, ये मल्टीपर्पज़ साड़ी है। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सेसराइज ज़्यादा करके आप पहनोगे ना, तो आप किसी बड़े फंक्शन में पहन सकते हो, और अगर घर के छोटे मोटे फंक्शन में, पूजा पाठ में पहनना है, तो इसे नॉर्मल तरीके से गले में सिंगल से एक चेन डाली, छोटा सा एक टॉप्स डाल लिया, नॉर्मल सी चूड़ियाँ डाली, बस आप घर के एक फंक्शन के लिए भी तैयार है। और अगर बाहर किसी बड़े फंक्शन में आपको पहनना है, तो अच्छी सी टेम्पल ज्वेलरी के साथ आप इसे एक्सेसराइज कर सकते हो। हेवी से आपने इयररिंग्स उससे मैचिंग के पहन लिए, थोड़े से चूड़ी वगैरह ले ली, और इसके इसमें कंट्रास्ट का ब्लाउज आप ले लोगे, जैसे कि रेड या मरून, इसके साथ बहुत अच्छा जाता है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इसके साथ, तो आप वो पहन लोगे। और अपने हेयर्स बन बन करके उसमें गजरा लगा के, मतलब इस तरह से आप इसे अच्छे से एक्सेसराइज कर सकते हो। सो वीडियो आपको थोड़ा लंबा मैं ज़्यादा कर रही हूँ ना, तो चलिए अब वीडियो के मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ ये साड़ी कैसी है। तो साड़ी का जो कपड़ा है ना, वो कॉटन नहीं है। कॉटन में क्या होता है, कॉटन का कपड़ा बहुत खड़ा खड़ा सा रहता है, फूला फूला सा रहता है, और ये कपड़ा ऐसा है ना, लिनन जो होता है ना, मेरे हस्बैंड के पास, मैं लिनन कपड़े के बारे में नहीं जानती हूँ, फ्रेंकली आपको बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड के पास एक लिनन की शर्ट है, बस उसी से थोड़ा बहुत मैं मिला कंपेयर कर रही हूँ, तो ये उसी से मिलता जुलता फैब्रिक है,
प्योर लिनन नहीं बोलूंगी मैं इसे, कॉटन और लिनन का मिक्सचर है ये, और बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है। आप देख सकते हो नीचे बॉर्डर, इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है, आपको इजीली विजिबल हो रहा होगा ये। एंड वीडियो के लास्ट में ना मैं इसका ट्राई ऑन हॉल दिखा दूंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये साड़ी कैसी लग रही है देखने में, पहनने की बात कैसी लग रही है। तो चलो अब सबसे अच्छा पार्ट है ना जो इसका, मैं वो वहां से स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो साड़ी है ना, इसमें इस तरह के टेसल्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए अच्छी फिनिशिंग है, फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से टेसल्स दिए हुए हैं जो कि बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, और ये आपकी साड़ी को एक अच्छा लुक देते हैं। ये देखिए पूरी साड़ी में इस तरह से आपको टेसल्स मिल जाएंगे। बॉर्डर आपको मैं दिखा चुकी हूँ, इस तरह का बॉर्डर है। साथ में आपको ब्लाउज जो है वो प्लेन ब्लाउज मिलेगा। ये है ब्लाउज वाला पीस, ब्लाउज इसमें है और साड़ी काफी लंबी है। तो आप ये ब्लाउज है, ये आप अपनी स्लीव में या फिर अपने वेस्ट एरिया में, कमर वाले एरिया में इसको आप लगवा सकते हो, चाहे तो आप स्लीव में लगवा सकते हो। ये दोनों साइड पे आपको इस तरह का बॉर्डर मिला हुआ है और पूरी साड़ी प्लेन है। इसमें ना एक इतनी अच्छी सी शाइन है ना, वो ग्लॉसी वाली शाइन होती है ना वो शाइन है, इसमें ग्लिटरी वाली शाइन होती है ना वो अलग सी लगती है, वो नहीं है, ये ग्लॉसी शाइन है। बहुत ही रॉयल लुक आ रहा है, आप खुद देख सकते हो कितनी महंगी साड़ी। जिस तरह की साड़ियाँ रेखा जी पहनती है ना, ये बस उसी की कॉपी मान लीजिए आप, उसी तरह का वो ग्लॉसी लुक आएगा इस साड़ी को पहन के। मतलब बहुत ही प्यारी लग रही है साड़ी मुझे तो। मतलब मैं सोच रही थी कि शायद अगर पसंद नहीं आई तो मैं रिटर्न कर दूंगी, लेकिन अब तो नो चांस, कोई चांस ही नहीं है कि मैं इसको रिटर्न करूं। और बहुत ही सुंदर साड़ी लग रही है, आप देख सकते हो थोड़ी सी मतलब ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू है थोड़ी सी, लेकिन साड़ियां ऐसी ही अच्छी लगती है ना। मतलब ऐसी साड़ी हो जिसमें आप की फिगर भी विजिबल ना हो, और ऐसी हो कि बिल्कुल आपको कवर शॉल की तरह कवर भी ना कर दे। तो जो उसका मीडियम वाला होता है ना, मुझे पर्सनली उसी तरह की साड़ियाँ पसंद आती है, तो मुझे ये बड़ी पसंद आई है साड़ी। पूरी साड़ी में ऊपर और नीचे बॉर्डर इस तरह का दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी काफी शाइनी है। मतलब पूरी साड़ी शाइनी है यार, इसके साथ आप रेड या फिर आप इसमें मरून रंग का ब्लाउज कैरी कर सकते हो, विंटर्स आ रहे हैं, आप इसके साथ क्रॉप टॉप कैरी कर सकते हो। मैंने क्रॉप टॉप भी ऑर्डर किया है, और जब वो आ जाएगा तो मैं उसके साथ एक शॉट जरूर शूट करूंगी और आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी हम बात करते हैं पल्लू की, तो पल्लू है ये इस तरह से, इस तरह से आपको बीच में लाइनिंग्स दी हुई है। ये देखिए ये है पल्लू, और पूरे पल्लू में इस तरह से आपको बीच बीच में लाइनिंग्स दी हुई है, अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो। और पल्लू के बाद ये टेजल्स दिए हैं जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है। मतलब अगर आप चाहें तो आप इसी जो इसका ब्लाउज है आप उसे भी मतलब सेम हो गया, मैचिंग है, उसे भी आप स्टिच करवा सकते हैं। अगर आपको स्टिच नहीं करवाना है तो आप कट करके उसे निकलवा दीजिए और आप इसमें कंट्रास्ट ब्लाउज पहनिए। जो अब शादियों का सीजन आ रहा है ना, उसमें आप छा जाओगे, रेखा वाला लुक आप क्रिएट कर सकते हैं इस वाली साड़ी के साथ, 850 रुपए की साड़ी के साथ रेखा जी वाला आप लुक क्रिएट कर सकते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितने सुंदर लगेंगे उस पार्टी में, उस शादी में। और अगर आपका फिगर थोड़ा मेरे जैसा पियर शेप है, मतलब ऊपर से ठीक है नीचे से फैला हुआ है, क्योंकि मैं एक मदर हूँ और प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा बहुत तो फैट आ ही जाता है, तो ये मेरे फैट को भी उतना हाइड नहीं, मतलब हाइड कर देगा, उतना उभारेगा नहीं, क्योंकि सिल्क की साड़ियाँ होती, कॉटन की साड़ियाँ होती ना फूल जाती हैं, तो उससे अगर आपका आपका फिगर अच्छा नहीं है ना तो वो बहुत ज्यादा आप मोटे लगते हो। लेकिन इस साड़ी में, ये साड़ी ऐसी कि प्लेट्स बना के इसमें प्रेस कर दो ना एक बार, तो वो प्लेट्स वैसे की वैसे ही रहने वाली है, जरा सी भी आगे पीछे नहीं होंगी, वो बहुत ही अच्छे से मतलब सेट हो जाएगी साड़ी। इस तरह की साड़ी है, मुझे तो मतलब बहुत पसंद आई। अगर आप इसे लेना चाहें तो आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं, अगर आप किसी फंक्शन पार्टी में जाना है, और इससे ना आपका कलर बहुत उभर कर आएगा, एक ग्लो आ जाएगा आपके फेस पे। मैंने सही बताऊं, मैंने इस टाइम पर कुछ भी फेस पर अप्लाई नहीं किया है, ना मैंने फाउंडेशन लगाया है, ना मैंने कोई फेस पाउडर लगाया है, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, जस्ट एक लिपस्टिक और एक बिंदी लगा रखी है, दैट्स इट। और उसके बाद ये साड़ी ऐसे लगाने के बाद देखो आप कितनी सुंदर लग रही है,
तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, लेकिन उससे पहले आप मेरा ट्राई ऑन हॉल देख लीजिए। मतलब इसको मैंने पहना है, कैसे पहना है, कैसे स्टाइज किया है, आप वो देख सकते हैं, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।